हमारे संस्कार धानी कृषि कोचिंग में यूट्यूब वाले बच्चों बच्चे लोग के लिए है ये, आप लोग तो जानते हो हम सबको। ठीक है, यहाँ पे जय हिंद कौन लिख दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इधर ध्यान देंगे, आज अपन लोग चालू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल। ठीक है, ओलेरी कल्चर के अंदर में हम लोगों ने कल क्या है डिटेलिंग किया था, ओलेरी कल्चर क्या होता है, लेटिन वर्ड है कि नहीं, इसके फादर कौन है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज अपन लोग देखते हैं क्या क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल। इसमें जो है क्लासिफिकेशन किसी भी चीज़ का अगर हम करते हैं तो किसी बेस पे करते हैं, है कि नहीं। तो हमने जो बेस लिया है वो पर्टिकुलरली कौन सा बेस लिया है, मोनोकॉटिलीडन या डाइकॉटिलीडन, जिसको अपन लोग बोलते हैं बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, है कि नहीं। उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से हम प्लांट को बांट दिए हैं। कौन कौन सा, क्या क्या चीज़ें हमने बांटा है, देखिए मोनोकॉट और डाइकॉट ज़्यादातर यही है, सब जगह यही पढ़ते आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिस बता देता हूँ मोनोकॉट और डाइकॉट का, क्या क्या चीज़ आप लोग को याद रखना है, ठीक है, जिससे किसी भी प्लांट को आप देख के जो है उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से बिना सीड को देखे भी आप बता सकते हो कि कौन सा मोनोकॉट है कौन सा डाइकॉट है। ठीक है, मोनोकॉट का सबसे पहला तो आप लोग जानते हो सीड जो होता है मोनोकॉटिक होता है, यानी कि इसमें एंडोस्पर्म होता है ना, इसमें कॉटिलीडन नहीं पाया जाता, एंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक, हाँ, तो देखिए इसमें क्या है, सीड जो है सिंगल कॉटिलीडन का होता है जिसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। इसका रूट टाइप आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, सेलो रूटेड होता है, ज़्यादा डीप रूट तक नहीं जाता मोनोकॉटिलीड, जैसे कि आप लोग धान को याद रखिए, गेहूं को याद रखिए, प्याज को याद रखिए, ठीक है, ये मोनोकॉटिलीडन। दूसरा चीज़ क्या है, इसका लीफ आप लोग देखेंगे, लीफ जो होता है हमेशा लंबा होगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग धान का लीफ देख सकते हैं, इसमें वेनस ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि कोई अन्य पौधा है जो कि डाइकॉटिलीडन है, ठीक है, उस पर कुछ इस प्रकार से लीफ स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन जो धान हो गया उसका लीफ स्ट्रक्चर कैसा होता है, लंबा होता है कि नहीं। तो आप लोग देख के लीफ को भी देख के पता लगा सकते हैं कि ये मोनोकॉटिलीडन है। कौन सा सर, लहसुन प्याज, हाँ मोनोकॉटिलीडन है, तो आप लोग देख के बता सकते हैं, है नहीं। वहीं डाइकॉट की अगर हम बात करें तो इसका लीफ तो आप लोग जानते ही हो, आप लोग याद रख लीजिए किसके बारे में, जितने भी मोनोकॉट में बहुत कम पौधे आते हैं, डाइकॉट ज़्यादातर पौधे होते हैं, जैसे कि चना को याद रख लीजिए, है कि नहीं। चना का पौधा सभी लोग देखे हैं, पत्तियां कुछ इस प्रकार से होती हैं, सीड जो होता है कैसा होता है, डाइकॉटिलीडन का होता है, दो भागों में बटा होता है। रूट सिस्टम कैसा होता है इसका, टैप रूटेड होता है, यानी कि डीप रूट जाता है कि नहीं, ज़्यादा नीचे तक एंटर करता है। तो ये कुछ अपन लोग जानते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में, है नहीं। आप लोग अब अंदाज़ा लगाइएगा, पौधे को याद रखिएगा किसी भी सब्जी के बारे में अगर बात होगी तो। देखते हैं अपन लोग क्या है मोनोकॉट में क्या क्या आते हैं। वैसे तो वेजिटेबल मोनोकॉट में बहुत कम है, जैसे कि देखिए मोनोकॉटिलीडन में क्या है, एलिएसी फैमिली एलिएसी में दो तीन पौधे आते हैं, जैसे कि प्याज लहसुन, है ना, एक और होता है लीक, आगे अपन लोग देखेंगे लीक क्या होता है। सबसे पहला है ओनियन, ठीक है, ओनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम शेपा, इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 2n = 16, लो क्रोमोसोम नंबर वाला ये प्लांट है। साथ ही साथ इन दोनों का जो अपना ओनियन और गार्लिक है, दोनों का ओरिजिन याद रखिएगा सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, ठीक है। ओनियन और गार्लिक दोनों प्लांट का जो बोला जाए ओरिजिन है सेंट्रल एशिया है, साथ ही साथ दोनों का क्रोमोसोम नंबर भी 16 है, ठीक है, ये ओनियन और गार्लिक दोनों की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ इसका क्या है, फ्रूट टाइप जो होता है सीजोकार्पिक होता है दोनों में, क्योंकि फैमिली एलिएसी से बिलोंग कर रहा है, दोनों का सीजोकार्पिक होगा। फ्लावर टाइप कैसा होगा, सिंपल अम्बेल, यानी कि दो प्रकार के अम्बेल होते हैं, एक सिंपल अम्बेल होता है, एक कंपाउंड अम्बेल होता है। अम्बेल बोला जाए तो एक ऐसा होता है जिसमें इतने प्रकार के क्या है फ्लावर होते हैं, ठीक है, ये हो गया सिंपल अम्बेल। अगर इसी को हम लोग कंपाउंड अम्बेल की बात करें तो कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, एक ही साथ में चार पांच सिंपल अम्बेल जुड़े होंगे एक ही फ्लावर में, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। प्याज सिंगल एक निकलता है, हाँ, लेकिन प्याज का क्या है, प्याज और लहसुन का सिंपल अम्बेल होता है, एक सिंगल
अम्बेल होगा। वहीं धनिया, आप लोग धनिया को देखें है नहीं, कंपाउंड अम्बेल। सौंफ भी हो गया, जितने भी एपीएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सौंफ हो गया अपना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जीरा हो गया, सौंठ हो गया, है कि नहीं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कंपाउंड अम्बेल में आएंगी। लेकिन ये सिंपल अम्बेल की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। प्याज में मैं थोड़ा सा चीज़ आप लोग को बता देता हूँ, प्याज वैसे तो मॉडिफिकेशन है किसका, स्टेम और लीफ का, दोनों का मॉडिफिकेशन है प्याज जो है, स्टेम और लीफ दोनों का मॉडिफिकेशन है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्याज का एडिबल पार्ट बताइए, तो एडिबल पार्ट हमेशा लीफ होता है, ठीक है। एडिबल पार्ट कौन सा होता है, लीफ, मॉडिफाइडेड लीफ होता है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा आप लोग देखते हैं प्याज के नीचे वाला हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा ही स्टेम कहलाता है, ठीक है। बाकी सारे जो मॉडिफिकेशन है वो लीफ के हैं, तो एडिबल पार्ट क्या होगा, लीफ होगा, और मॉडिफिकेशन अगर पूछेगा तो स्टेम और लीफ दोनों का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। वहीं गार्लिक की बात करें तो गार्लिक क्या है, बल्ब है, दोनों बल्ब है। इसको हम लोग क्या है, प्रोपागेट करते हैं थ्रू क्लोव से, क्लोव है ना, जो छोटा छोटा कली होता है उसको क्लोव बोलते हैं। अगर यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़े क्लोव की वैरायटी बताइए, तो याद रखिएगा G282, ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, G282 एक ऐसी वैरायटी है जिसका क्लोव बड़ा बड़ा होता है ना, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं उसको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कुछ कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान रखते जाइएगा, हर क्रॉप में एक स्पेसिफिक चीज़ मिलेगा आपको। अगला क्या है, लीक, ये भी वही फैमिली का है, लहसुन गार्लिक का ही दोस्त है, छोटा भाई है, एलियम पोरम बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, एलियम पोरम है, ठीक है। ये जो है टेट्राप्लॉइड होता है, ठीक है, अगर 2x है तो डिप्लॉइड, 3x है तो ट्रिप्लॉइड, 4x है तो टेट्राप्लॉइड, ठीक है। 3x जो होता है हमेशा सीडलेस होता है, सीडलेस, जैसे आप लोग बनाना को देख लीजिए, है ना, या फिर ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन देख लीजिए। ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन का वैरायटी क्या है, पूसा बेदाना, ये भी याद रखिए, ये बहुत फेमस चीज़ है पूसा बेदाना। डिप्लॉइड सारे आते हैं, टेट्राप्लॉइड कौन सा है, पोटैटो, आलू जो है टेट्राप्लॉइड है। साथ ही साथ अगर 6x की बात करें, हेक्साप्लॉइड तो कौन सा है, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो जो है हेक्साप्लॉइड नेचर का होता है, तो ये प्लॉइडी लेवल है, ठीक है। अगर हमको प्लॉइडी लेवल बढ़ाना भी रहता है कभी कभी, तो आप लोग को पता होगा कोल्चिसिन ट्रीटमेंट भी करते हैं, है ना, वो प्लॉइडी लेवल बढ़ाने के लिए किया जाता है, इतना आप लोग को पता चल गया, लिख सकते हैं, ठीक है। एलियम पोरम की बात करते हैं, इसको हम लोग ज़्यादातर सैलेड पर्पस में यूज़ करते हैं, क्या पर्पस में, सैलेड पर्पस में, ठीक है। साथ ही साथ इसको पका कर भी खा सकते हैं। ये जो होता है मेडिटेरियन रीजन, इसका ओरिजिन है, ठीक है, ये बस अलग है, क्योंकि ये जो है कोल्ड रीजन का क्रॉप है, कैसा क्रॉप है, कोल्ड रीजन का, है ना। एलियम सेपा का ही भाई है, लेकिन उनका क्या है, सेंट्रल एशिया है, ये थोड़ा ठंडे इलाके का है, इसीलिए क्या है, सेंट्रल, सॉरी मेडिटेरियन रीजन इसका ओरिजिन है। इसमें क्या है, ब्लांचिंग स्टेम, एक प्रोसेस होता है एलियम पोरम में, सबसे मेजर काम क्या है, ब्लांचिंग। ब्लांचिंग आप लोग सुने होंगे, कोई बता सकता है ब्लांचिंग क्या होता है, गर्म पानी में भी करते हैं। देखिए ब्लांचिंग बहुत तरीके से किया जाता है, वो आप तरीका बता रहे हैं, हाँ नमक पानी वगैरह डाल के, लेकिन वास्तव में ब्लांचिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग किसी भी प्लांट या फिर एडिबल पार्ट के एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रोक देते हैं, जिससे ख़राब नहीं होता। उसके बाद बहुत सारे तरीके हैं, आपने बताया बॉइलिंग कर देंगे, आपने कॉलीफ्लावर में देखा होगा, कॉलीफ्लावर जब उगाते हैं हम लोग तो क्या है, जो इसकी पत्तियाँ होती हैं साइड साइड में, उसको ऐसा करके मोड़ करके रबड़ लगा देते हैं, है ना, ताकि सनलाइट के कॉन्टेक्ट में ना आए, तो ये भी एक ब्लांचिंग का प्रोसेस है। हाँ गोभी का कई वैरायटी ऐसा है जो सेल्फ ब्लांच वैरायटी है कि नहीं, जैसे कि पूसा स्नोबॉल आप लोग को पता होगा, पूसा स्नोबॉल क्या है, सेल्फ ब्लांच्ड वैरायटी है। ये हो गया लीक के बारे में, आप लोग जान गए लीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट अपना मोनोकॉटिलीडन क्रॉप कौन सा है, रूट क्रॉप में भी कुछ कुछ आते हैं, जैसे कि एरेसी फैमिली से बिलोंग करने वाले क्रॉप, एरेसी में कुछ कुछ क्रॉप ही आते हैं, है ना।
देखिए क्या क्या है। सबसे पहला है टारो, टारो की बात करते हैं, आप लोग जानते हो है कि नहीं, कोचाई बोलते हैं गांव में, है ना, खाए भी होगे, बहुत बेहतरीन लगता है, इसमें थोड़ा थोड़ा खुजली भी होता है कि नहीं। कोलोकेशिया एस्कुलेंटा इसका नाम है, इसको कोलोकेशिया भी बोलते हैं, तारो भी बोलते हैं, कोचाई तो बोलते ही है कि नहीं। इसका पत्ती भी खाने योग्य होता है, इसका रूट भी खाने योग्य होता है। छत्तीसगढ़ में एक क्वेश्चन आया था, हाँ छत्तीसगढ़ पेपर में क्वेश्चन ये आया था, हाँ। कि जो वो इड़हर सब्जी जो है, हाँ हाँ हाँ, इड़हर सब्जी, सही बात है, इड़हर सब्जी किससे बनता है ये प्रश्न पूछा गया, सर कह रहे हैं छत्तीसगढ़ वाले में, है ना, ये बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे पीएससी अभी, हाँ पीएससी लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, एडीए वगैरह में भी आने की संभावना है इसकी, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसमें हम लोग बात करते हैं, इसका 2n बराबर नहीं लिख पाया, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, लेकिन इसका 24 के आसपास है, ठीक है, मैं देख के बताऊंगा आप लोग को अगर याद ना हो तो। इंडिया इसका ओरिजिन है साउथर्न एशिया, ठीक है, अपना ही भारत से ही निकाला गया है। इसका जो है कॉर्म और ये जो कॉर्मेल्स होता है इसको क्या करते हैं, प्रोपागेशन के लिए यूज़ करते हैं, ये जो कॉर्म होता है इसी को हम लोग प्रोपागेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रोपागेशन याद रखिएगा। ये टारो की बात है, ठीक है, कोचाई जिसको बोलते हैं। दूसरा है एलिफेंट फूट याम, जिसको जिमी कांदा बोलते हैं, जिसको सूरन बोलते हैं, है कि नहीं, जिमी 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 कांदा कांदा कांदा, सुने होंगे, गाना बहुत फेमस था, है ना। साइंटिफिक नेम इसका क्या है, मॉर्फोफिलस, आगे क्या लिखा है भाई, कॉम्पैनुलेटस, कॉम्पैनुलस या फिर कॉम्पैनुलेटस, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया सर, कॉम्पैनुलेटस, ठीक है, एमॉर्फोफेलस कॉम्पैनुलेटस इसको बोलते हैं। क्रोमोसोम नंबर इसका 26 भी 28 भी है। ये डिफ़र क्यों करता है, क्योंकि इसके कुछ वेराइटीज़ डिफ़र कर जाते हैं, ठीक है, कैरेक्टर के कारण, वो अलग बात है। इसका ओरिजिन क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आप लोग जानते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के नाम से एक प्रश्न पूछा जा सकता है जियोग्राफी में, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, जो कि एक कंट्री है कि नहीं, और एक आइलैंड बोले तो जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इंडिया क्या है, इंडिया तीन साइड से घिरा है, इसीलिए इसको पेनिनसुला बोला जाता है कि नहीं, इंडिया को पेनिनसुला बोला जाता है, वो अलग बात है, अपन लोग कहाँ जियोग्राफी में चले गए। एक्रिडिटी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से पूछा जाता है, ठीक है, जिमी कांदा से, कि जो खुजली होता है ना, जिमी कांदा खा के नरेटी खजुआ थे तो कहीं हाथ खजुआ थे, वो होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण, ठीक है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। कैल्शियम ऑक्सीलेट, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खट्टे चीज़ों का यूज़ करते हैं, या उसको पहले ना ऊपर देते, उबालते हैं, हाँ उबालते हैं, सुखाते हैं। इसमें अटर्रा, अटर्रा जानते होंगे, सिट्रस फैमिली का क्रॉप है, फ्रूट है, उसको यूज़ करते हैं उबालने के बाद, ताकि इसमें जो है खुजली कम हो जाए, ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग जिमी कांदा के बारे में, एलिफेंट फूट याम के बारे में। नेक्स्ट आता है डायोस्कोरिया फैमिली, ठीक है, वैसे तो ये ज़्यादा देखा नहीं जाता है, आप लोग बहुत कम ही देखे होंगे, पर फिर भी बता देते हैं। ग्रेटर याम, जिसको वाटर याम भी बोलते हैं, ठीक है, वाटर याम भी बोलते हैं इसको। डायोस्कोरिया एलाटा इसका साइंटिफिक नेम है। इसके ये दो क्या हैं, दो भाई हैं, ठीक है, दो भाई हैं जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। चारों के चारों का क्रोमोसोम नंबर कितना है, तीनों का क्रोमोसोम नंबर है 40, याद रखिएगा। साउथ वेस्ट एशिया दोनों का ओरिजिन है, साउथ वेस्ट एशिया यानी कि क्या बोला जाए, जो इधर वाला भाग है, बोले तो इंडिया के लेफ्ट वाला भाग है कि नहीं, रेगिस्तानी भाग जो है वहाँ इसका ओरिजिन पाया जाता है। अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर इसका एडिबल पार्ट होता है, वैसे कांदा है जानते ही हैं, स्टेम ही उसका मॉडिफिकेशन होता है ज़्यादातर, है कि नहीं। फूफू प्रोडक्ट आप लोग याद रखिएगा, फूफू एक क्या है, बाई प्रोडक्ट है, जो कि ग्रेटर याम से बनाया जाता है ना, जैसे कि साबूदाना बनाया जाता है, जैसे कि फेनी वगैरह बनाया जाता है, तो ऐसी फूफू प्रोडक्ट भी है जो ग्रेटर याम से बनाया जाता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। बाकी लेसर याम है डायोस्कोरिया एस्कुलेंटा, वाइट याम है डायोस्कोरिया रूटेंडी डाटा, रूटेंड डाटा, ठीक है। सबका क्रोमोसोम नंबर कितना है, 40 है। ओरिजिन क्या है, साउथ वेस्ट एशिया, याद रखिएगा। लिखते चलिए, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। ये कांदा वांदा के बारे में एक बात आप लोग याद रखिए, जितने भी रूट क्रॉप होते हैं, ठीक है, जितने भी रूट क्रॉप, ये सारे के सारे क्या है, एग्जॉस्टिव क्रॉप होते हैं। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि जो बहुत जल्दी किसी चीज़ को ख़त्म कर देता है,
है ना, जैसे कि आप लोग जानते हैं पोटेशियम है ना, रूट क्रॉप में ज़्यादातर पोटेशियम का अपटेक ज़्यादा होता है, यानी कि वो आसपास के एरिया में जितने भी पोटेशियम है सभी को एकदम तत्काल ख़त्म कर देंगे, जितना जल्दी हो सके खाने की कोशिश करते हैं, हदरहा आदमी है मन, समझ गए, पेटहा जिसको कहते हैं हमारे लैंग्वेज में, तो वैसे ये क्या है, रूट क्रॉप होते हैं। पोटैटो को देख लो आप लोग, जितने भी रूट क्रॉप ओनियन गार्लिक सब ऐसी होते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, एग्जॉस्टिव क्रॉप किसके लिए होते हैं, पोटेशियम के लिए होते हैं, जितने भी रूट क्रॉप होते हैं। अगला चले, अगला देखिए, ये तो वैसे तो आप लोग जानते ही हो इसको, है नहीं, एग्रीकल्चर वाले पढ़ते हैं ज़्यादातर, स्वीट कॉर्न जिसको बोलते हैं, कि नहीं, जीएम एज है ना, जीएम एज क्या है, रुगोसा, स्वीट कॉर्न, इसको हम लोग इसलिए वेजिटेबल के अंडर में लिया है क्योंकि इसको हम लोग पका के खाते हैं, मसाला मिर्चा नमक डाल के, अच्छा हाँ, इसका मैं गलत लिख दिया था, सेकेराटा है वाकई में, ठीक है, याद रखिएगा भाई, खैर ये तो जानते हैं, जिया मेज सेकेराटा लिख देते हैं, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, जिया मेज सेकेराटा, सॉफ्ट इमेच्योर कैरनल खाते हैं, मेज का क्रोमोजोम नंबर 20 होता है, इसका ओरिजिन भी अमेरिका होता है, अमेरिका बोले तो यूएसए आएगा, ठीक है, मेज ज़्यादातर कहाँ खाया जाता है, यूएसए में ही खाया जाता है, है ना, जैसे कि अपन लोग इंडिया में सैपल फूड क्या है, इंडिया का राइस हो गया, है कि नहीं, वीट हो गया, वीट ज़्यादातर वर्ल्ड में वीट खाया जाता है, हाँ, वर्ल्ड का पूछा तो वीट है, अगर इंडिया का पूछा तो राइस है, वहीं एक और है क्या है, नीदरलैंड, जितने भी लैंड वाले हैं ये सब क्या है, पोटैटो खाते हैं, ठीक है, इसीलिए क्या आया था अभी, एरिस फेमिन आया था, नहीं सॉरी, एरिस फेमिन ही आया था सर, पोटैटिक पोटैटो के लिए है ना, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये इसीलिए हुआ था, वहाँ मर रहे थे लोग, इसलिए मर रहे थे क्योंकि सैपल फूड था, वही खाते थे वो लोग, अब जो खाते हैं वही नहीं मिलेगा तो वाकई भूखमरी तो होगी, हाँ, जैसे बंगाल फेमिन हुआ था, राइस में हुआ था, है कि नहीं। अगला देख लेते हैं, ये स्वीट कॉर्न याद रखिएगा आप लोग, उस नेक्स्ट है एस्परागस, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये फोटो देखिए, एस्परागस है, ठीक है, एस्परागस साइंटिफिक नेम एस्परागस ऑफिसिनेलिस, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर इसका 20 होता है, सॉफ्ट टेंडर सूट खाते हैं, आपसे पूछेगा कि एस्परागस का एडिबल पार्ट क्या होता है, तो सॉफ्ट टेंडर सूट, ठीक है, जिसको हम लोग स्पीयर्स बोलते हैं, एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया जाता है, ठीक है, स्पीयर्स बोलते हैं इसको हम लोग, डायरेक्टली या फिर कटिंग के साथ बोले तो चबा के खा सकते हैं या तो पका के भी खा सकते हैं, स्पीयर वो वाला स्पीयर नहीं है जो खेत में जाके खातु छींचते हैं, दवाई छींचते हैं, भाला को भी स्पीयर बोलते हैं, अच्छा हाँ हाँ, इसीलिए जो भाला होता है उसी के टाइप से दिख रहा है, सही बोल रहे हैं सर, ठीक है, एस्परागस एशिया इसका ओरिजिन है या फिर टेम्परेट यूरोप, क्योंकि ये ठंडे इलाकों का क्रॉप है, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा ठंडी चाहिए उगाने के लिए, बोले तो कूल सीजन वेजिटेबल क्रॉप है, ठीक है, तो कहाँ है, यूरोप, ज़्यादातर जो कूल सीजन ठंडी समय में पाए जाने वाली सब्जियाँ हैं उनका जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, यूरोप होता है, ठीक है, जिसको मेडिटेरियन रीजन बोलते हैं, जैसे कि जितना भी कोल क्रॉप हो गया, कैबेज, पत्ता गोभी, ब्रोकली वगैरह वगैरह, ये सारे क्या है, ठंडी सीजन के क्रॉप है, दूसरा चीज़ यूरोप में इसका ओरिजिन है, याद रखिएगा, इसमें एक और प्रोसेस, इसमें भी सेम प्रोसेस होता है ब्लांचिंग, याद रखिएगा, इसमें भी ब्लांचिंग करते हैं इसके कलर को बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ब्राउनिंग नाम का एक चीज़ होता है, दिक्कत है बोले तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करने लगता है, आप लोग जानते होंगे, है कि नहीं। देखिए अगला आ गया मोनोकॉटिलीडन, तो अपना जितना भी था बहुत कम था, फ्रूट में भी बहुत कम है, जैसे कि फ्रूट में क्या है, बनाना है, पाइन एप्पल है कि नहीं, वो मोनोकॉट आ गए। बात करते हैं डाइकॉट की, डाइकॉट में हम लोग क्या है, एपीएसी फैमिली या फिर अम्बली फेरी भी बोलते हैं, अम्बली फेरी इसलिए क्योंकि इसका जो फ्लावर टाइप होता है क्या होता है, अम्बेल होता है कि नहीं, जितने भी अम्बेली फेरी के, हाँ सर, मल्टीपल अम्बेल है कि, हाँ, ये सारे के सारे जितने भी हैं मल्टीपल अम्बेल आएंगे, कंपाउंड अम्बेल जिसको बोलते हैं, है कि नहीं। आइए देखते हैं क्या क्या है, कैरेट, गाजर, ठीक है, रूट क्रॉप में, ये भी एग्जॉस्टिव क्रॉप है, पोटेशियम के लिए हाई, पोटेशियम जल्दी जल्दी खा के ख़त्म करेगा,
डाकस कैरोटा आप लोग जानते ही हैं, डाकस कैरोटा साइंटिफिक नेम है क्रोमोसोम नंबर 18। अफगानिस्तान इसका क्या है, ओरिजिन है अफगानिस्तान, याद रखिएगा ये प्रश्न आता है। ठीक है, कांजी नाम का प्रोडक्ट बनता है, आप लोगों को कल मैंने बताया था है ना। अगर पूछेगा कि कांजी किससे बनता है तो याद रखिएगा पर्पल कलर का जो कैरेट होता है, हाँ जो हाई एंथोसाइनिन रिच होता है, हाई एंथोसाइनिन। अब एंथोसाइनिन जान रहे हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेड नहीं पर्पल कलर के लिए है ना। ठीक है, आप लोग भी जवाब देते रहिए, बहुत बढ़िया। पर्पल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि नहीं, इसका दो वेराइटी है, कल एक नहीं बता पाया था, आज बता देते हैं कौन कौन सा वेराइटी है। पहला तो है पूसा असीता, आप लोग नाम सुने होंगे है कि नहीं, पूसा असीता। वैसे तो सीता माता को एक प्रकार से हम लोग ले सकते हैं, गोरी थी है कि नहीं, तो असीता यानी कि गोरी नहीं है, बोले तो क्या है, पर्पल कलर की है, इसी का हम लोग कांजी बनाते हैं। दूसरा है हमारा काशी कृष्णा, काशी कृष्णा ये भी दो भी, ये भी एक वैरायटी है जिसको हम लोग कांजी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों वैरायटी मोस्ट फेमस है कैरेट से रिलेटेड। हाँ, पूसा असीता और काशी कृष्णा, ठीक है, दोनों एंथोसाइनिन रिच वैरायटी हैं, पर्पल कलर में दिखेंगे आप लोग को। ठीक है, अगला क्रॉप क्या है, कोरिएंडर जानते ही हैं, धनिया। इसका हम लोग मसाला भी यूज़ करते हैं, मसाला के लिए भी स्टडी करते हैं, वेजिटेबल के लिए भी स्टडी करते हैं, लीफ पर्पस के लिए इसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, साथ ही साथ सीड पर्पस के लिए भी करते हैं, लीफ प्लस सीड है कि नहीं, दोनों पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। बस शर्त ये हैं कि टाइमिंग अलग अलग है मेच्योरिटी का। दूसरा चीज़ क्या है, इसमें एक और फिजियोलॉजिकल चीज़ होता है लीफ में जिसको हेट्रोफिली बोला जाता है कि नहीं। हेट्रोफिली एक प्रकार की प्रकृति होती है, आप लोग देखे होंगे जब धनिया स्टार्टिंग कंडीशन में होता है तो कुछ उसका लीफ क्या है, थोड़ी चौड़ी होती है, वहीं जब ये सीड प्रोडक्शन का टाइम आ जाता है इसका तो इसकी पत्तियां कैसी हो जाती है, सकरी सकरी ऐसे डंडी डंडी हो जाएगा है कि नहीं, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये इसका क्या है, हेट्रोफिलिस कैरेक्टर होता है धनिया के अंदर। मेडिटेरियन रीजन जान रहे हैं, ठंडी इलाके का क्रॉप है, ठंडी सीजन का है, यानी कि यूरोप, मेडिटेरियन बोले तो यूरोप, याद रखिएगा यूरोप, जैसे यूक्रेन अभी लड़ाई वड़ाई चल रहा है, वार चल रहा है कि नहीं, वो इलाके हो गए ठंडी इलाके, जहाँ बर्फबारी होता है वो भी कह सकते हैं। सीजोकार्पिक होता है इसका जो फ्रूट टाइप है, प्रश्न पूछता है धनिया का फ्रूट टाइप क्या होता है, सीजोकार्पिक यानी कि एक फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर में बहुत सारे ऐसे करके पार्ट डिवाइड रहते हैं। आप लोग देखिए धनिया, धनिया को हम लोग क्या है, तोड़ते हैं, स्केरिफिकेशन करते हैं उसको जर्मिनेट करने के लिए, क्योंकि उसका हार्ड सीड कोट होता है। दूसरा, एक ही धनिया के अंदर क्या है, दो तीन सीड होते हैं है ना, इसको तोड़ के हम लोग क्या करते हैं, बुआई करते हैं एकदम खुरच के। सीजोकार्पिक कंपाउंड अम्बेल इसका क्या होता है, इनफ्लोरोसेंस होता है, फ्लावर टाइप होता है। ठीक है, अगला क्या है, ये धनिया का ही छोटा भाई है। धनिया का छोटा भाई कौन है, छोटा भाई नहीं बोलना चाहिए, दिखने में बड़ा होता है धनिया से, एकदम हस्त फुस्त ठीक है, खाया पिया हुआ आदमी। ये देख रहे हैं इसका डंठल एकदम पानी से भरा हुआ, हाई इन वाटर। क्या कहता है ये, एपीएम ग्रेवियोलेंस, एपीएम ग्रेवियोलेंस इसका साइंटिफिक नेम है। क्रोमोसोम नंबर इसका अलग है, 2n = 22 है, इन दोनों से अलग डिफर करता है, कोरिएंडर का 16, कैरेट का 18, इसका चले गया 22। ठीक है, याद रखिएगा ये जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है कि नहीं, जितने ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर होंगे उतने ही ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं किसी में भी है कि नहीं। आप लोग याद है मटर जो मेंडल ने यूज़ किया था, मटर है कि नहीं, क्रोमोसोम नंबर 14 था, बेसिक क्रोमोसोम नंबर 7 था, तो 7 वाले को ही इसलिए यूज़ किया क्योंकि कम से कम कैरेक्टर है, तभी अपने को आसानी होगी थोड़ा काम करने में, रिसर्च करने में, ऐसा उनका उद्देश्य था। एपीएम ग्रेवियोलेंस साइंटिफिक नेम, मेडिटेरेनियन रीजन जान रहे, ठंडी इलाके का है। फ्लैसी पेटियोल्स इसका एडिबल पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला जो होता है, ये वाला हिस्सा फ्लैसी एकदम पानी से भरा हुआ रिजिड होता है,
है कि नहीं, धनिया के टाइप से ही होता है। खुशबू देख लीजिए आप, उसके फीचर्स देख लीजिए, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख लीजिए, लगभग लगभग धनिया की तरह होता है। ठीक है, इतना आप लोग याद रख लेंगे। सैलरी इसको बोलते हैं, सैलरी वो वाला नहीं कि महीना में जो पैसा आ रहा है वो वाला सैलरी, है ना। अगला क्रॉप क्या कहता है, सोलेनेसी। ये सोलेनेसी तो एकदम बहुत ज़्यादा फुल इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चन सोलेनेसी परिवार से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खाया जाने वाले वेजिटेबल्स में से है। ये क्या होते हैं, जितने भी सोलेनेसी परिवार के होते हैं ये डे न्यूट्रल होते हैं, है कि नहीं। डे न्यूट्रल नेचर के होते हैं, सारे के सारे नहीं बोलना चाहिए, पोटैटो को छोड़ करके, क्योंकि पोटैटो ठंडी में लगाया जाता है, है ना, ठंडी सीजन में। ये लॉन्ग डे है, लॉन्ग डे याद रखिएगा। जितने भी ठंडी सीजन के क्रॉप होते हैं वो सारे के सारे लॉन्ग डे होते हैं, ठीक है। और जितने भी गर्मी सीजन के क्रॉप होते हैं वो शॉर्ट डे होते हैं। अब कुछ कुछ एक्सेप्शन है जो डे न्यूट्रल हो जाते हैं, जैसे कि कुकुर बीट्स हो गया, जैसे कि टोमेटो हो गया, है कि नहीं। वो अलग है, एक्सेप्शन को छोड़ देंगे, मेजर को ध्यान रखेंगे, डे न्यूट्रल क्रॉप है। क्या क्या है, पोटैटो आप लोग जानते हैं, पोटैटो के बारे में जितनी बातें करो कम है, है कि नहीं। एक क्लास अकेला पोटैटो खा जाएगा, इतना बड़ा काम है। फिर भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम बताने की ज़रूरत नहीं है, टेट्राप्लॉइड होता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेट्राप्लॉइड यानी कि आटो टेट्राप्लॉइड होता है। ये दो तीन प्रकार के टेट्राप्लॉइड आते हैं, ऑटो टेट्राप्लॉइड, एलो टेट्राप्लॉइड, ऐसे करके। तो ये ऑटो में आता है, ठीक है। ऑटो यानी कि ये नेचुरली टेट्राप्लॉइड है, इसको बनाया नहीं गया, ये प्रकृति में पहले से टेट्राप्लॉइड पाया गया, ऑटो टेट्राप्लॉइड, ठीक है। साउथ अमेरिका इसका ओरिजिन है, साउथ अमेरिका जान रहे हैं, जिसको मैक्सिको भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। सीधा सीधा अमेरिकन रीजन याद रखिएगा। किंग ऑफ वेजिटेबल बताने की ज़रूरत नहीं है, किंग ऑफ वेजिटेबल क्या है, पोटैटो है। इसमें एक ग्रीनिंग नाम का चीज़ होता है जो कि मोस्ट फेमस है, किसके कारण से होता है, हेलो, किसके कारण से होता है ग्रीनिंग, पोटैटो में, हाँ, सनलाइट रीजन होता है, हाँ वो रीज़न है, है नहीं, सही बता रहे हो। लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा पड़ेगा तो सोलेनिन नाम का चीज़ है, एक्यूमुलेट हो जाता है कि नहीं, जो कि हरा कलर का कारण होता है। और एक बात और है, हरा वाला जो आलू खाओगे आप लोग, वो हानिकारक भी होता है, हाँ, जर्मिनेटेड आलू भी हानिकारक होता है कि नहीं। क्योंकि जर्मिनेटेड आलू में क्या होता है, रेडिकल्स होते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए, रेडिकल्स जो है हानिकारक होता है, है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, ये सोलेनेसी आलू का कुछ कुछ फीचर है। इसमें से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, दो कौन से हैं, सबसे पहला चीज़ TPS के बारे में पूछेगा, TPS, ट्रू पोटैटो सीड। वैसे तो आलू का प्रवर्धन जो है कंद से किया जाता है कि नहीं, ट्यूबर से किया जाता है, लेकिन इसको हम लोग ट्रू पोटैटो सीड जो दिया था रामानुजन ने दिया था, रामानुजन नाम के साइंटिस्ट ने, है कि इन्होंने क्या किया था, आलू का सीड एक्सट्रैक्ट किया था। आलू का भी फल होता है याद रखिएगा, जिसको बेरी बोलते हैं। आलू में भी टमाटर की तरह फल लगता है, बेरी की तरह, ठीक है, बाद में लगता है, हम लोग देखे नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग आलू चाहिए अपने को, जब हो गया तब उखाड़ो फेंको ख़त्म, ठीक है। तो लगभग 120 से 150 ग्राम क्या चाहिए, सीड चाहिए ट्रू पोटैटो सीड प्रोपागेशन में पर हेक्टेयर के लिए, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा पोटैटो से रिलेटेड क्या प्रश्न है, एक और चीज़ आता है SPT सीड प्लॉट टेक्निक, हाँ 120 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर सीड चाहिए, हाँ, अगर हम लोग TPS के माध्यम से लगा रहे हैं, ठीक है। कंद में जाएंगे तो कंद का फिर क्विंटल में गिनेंगे। SPT बोले तो सीड प्लॉट टेक्निक, सॉरी, अच्छा हाँ, ये तो ट्रू पोटैटो सीड हो गया, वो सीड प्लॉट टेक्निक। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं जाएंगे, साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है, रामानुजन एक हो गया, और एक क्या नाम था मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं याद आएगा तो बताऊँगा, एकदम कॉमन है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
तो याद रखिएगा एसपीटी सीड प्लांट टेक्निक, जिसको हम लोग एफिड से बचने के लिए वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए हिली एरिया में सीड प्रोडक्शन के रूप में करते हैं, सीड यानी कि सीड ट्यूबर बनाएंगे, वही एक टेक्निक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं टोमेटो। वैसे तो पोटैटो के बारे में जितनी बातें बताऊं कम ही पड़ जाएगा, तो उसको मेजर हम लोग क्रॉप में पढ़ लेंगे, ठीक है। टोमेटो के बारे में देख लेते हैं। हाँ पुष्करनाथ, बहुत बढ़िया। अरे ऐसा बताया करो ना यार, बीच बीच में याद आया आप लोग को बताते रहा करो। पुष्करनाथ, ठीक है, याद रखिएगा एसपीटी सीड प्लॉट टेक्निक, ठीक है, पुष्करनाथ जी। हाँ अरे वो नाम क्या है इजी रहता है, लेकिन ऑप्शन देख के आप लोग को पक्का याद आ जाएगा, कभी कभी यादें नहीं आती हैं, वो अलग बात है, इंसानी जीवन है। अगर आप लोग भूल जा रहे हो तो बहुत बढ़िया, बधाई हो, आप इंसान हैं, ठीक है। अगर नहीं भूल पा रहे हैं तो रोबोट लोग हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इसका साउथ हम चलिए टोमेटो के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वुल्फ पीच। वुल्फ पीच इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले के ज़माने में लोग टमाटर नहीं खाते थे, टमाटर को क्या करते थे, जैसे आज की डेट में नींबू मिर्ची लटकाते हैं ना, वैसे यूरोप कंट्री में इसको नींबू मिर्ची की तरह लटकाते थे टोना जादू से बचने के लिए। बाद में जब इसका फीचर पता चला कि अरे विटामिन सी बहुत बढ़िया है, प्रोटेक्टिव फूड है वगैरह वगैरह, तब इसको खाना शुरू किए हैं, है कि नहीं। फिर कल्टीवेशन में इसको लाए हैं, धीरे धीरे वेराइटीज़ इम्प्रूव किए हैं, तब ये आज की डेट में एडिबल हो गया है। साउथ अमेरिका इसका ओरिजिन है, अमेरिका। बेरी इसका फ्रूट टाइप होता है, ये आप लोग देख रहे हैं सीड अंदर में है, बेरी। इसका सीड अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि आप लोग देखिए टमाटर के सीड में एक लेयर टाइप से होता है, जेल टाइप से, अगर उसके साथ हम लोग सीड को एक्सट्रैक्ट कर लिए, सीड जर्मिनेट ही नहीं होगा क्योंकि एक लेयर बन गया। तो इसके लिए बहुत सारी विधियाँ, जैसे फर्मेंटेशन करते हैं, सड़ा दो सीधा, पूरा बाहर का म्यूसिलेज ख़त्म हो गया, उसके बाद उसको सुखा दो, मस्त सीड बन गया। या तो एसिड ट्रीटमेंट, या तो फिर जो सोडा, वाशिंग सोडा है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो अलग है, ठीक है। वुल्फ पीच इसको बोलते हैं। विटामिन सी टमाटर के बारे में आप लोग जानते हैं कैसा, एसिडिक इन नेचर होता है। हाँ वुल्फ पीच इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, वुल्फ, वुल्फ क्या, भेड़िया। भेड़िया पहले क्या चीज़ से रिल, आज भी रात को चिल्ला दे भेड़िया, अरे दादा भेड़िया चिल्ला रहे हैं, थोड़ा डर लगता है कि नहीं। ये टोटका था, हाँ आज के समय में हम लोग क्या ये सब लगाते हैं ना घर के बाहर में। हाँ हाँ हाँ, ये टोना जादू टोटका वोटका के लिए पहले उपयोग करते थे, है कि नहीं। तो ये वो है, ठीक है, आगे चले। चलिए देखिए टमाटर के बारे में जितनी बातें करें कम है, एक बात याद रखिएगा कैसा है, डे न्यूट्रल प्लांट है। दूसरा सेल्फ पॉलिनेटेड है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, चेस्मोगेमी पाया जाता है। चेस्मोगेमी एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है, चेस्मोगेमी क्या होता है, ठीक है। चेस्मोगेमी का मतलब होता है जब पॉलिनेशन होने के बाद फ्लावर खुलता है, उसको बोलते हैं चेस्मोगेमी। वहीं अगर पॉलिनेशन होने के बाद भी फ्लावर नहीं खुल रहा है, ये राइस में सेम सिम्टम, राइस में यही रहता है, चेस्मोगेमी रहता है या फिर क्लिस्टोगेमी रहता है। सर चेस्मोगेमी है ना, क्लिस्टोगेमी तो उसमें पाया जाता है गेहूं में। हाँ अच्छा गेहूं में, हाँ ठीक ठीक। तो चेस्मोगेमी क्लिस्टोगेमी लेट्यूस में पाया जाता है, जितने भी पी है, पी बोले तो मटर वगैरह, बीन्स हो गया है ना, उसमें पाया जाएगा क्लिस्टोगेमी। लेकिन टमाटर में याद रखिएगा चेस्मोगेमी पाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चेस्मोगेमी देखिए, हाँ जब फ्लावर, फ्लावर लग गया, फ्लावर लगने के बाद पॉलिनेशन होता है, तो अंदर में ही पॉलिनेशन हो जाएगा, उसके बाद फ्लावर खुलेगा। अब खुल भी जाएगा तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि पॉलिनेशन पहले ही हो गया है ना। चलिए आप लोग को थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर देते हैं। चेस्मोगेमी, चेस्मोगेमी क्लिस्टोगेमी, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, याद रखिएगा। चेस्मोगेमी में क्या होता है, फ्लावर जो होता है ओपन होता है आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है।
आफ्टर पॉलिनेशन ही फ्लावर ओपन होगा, और पॉलिनेशन हो गया है तो कोई मतलब नहीं है कि चाहे फ्लावर खुले अब ना खुले, है कि नहीं। दूसरा क्या है, क्लिस्टोगेमी, फ्लावर जो है ओपन ही नहीं होगा, फ्लावर डू नॉट ओपन और पॉलिनेशन अंदर में ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टमाटर जानते हैं हर्माफ्रोडाइट नेचर का होता है, टमाटर की बात करते हैं, टमाटर हो गया कोई भी ले लो, जैसे कि एग्जांपल में आप लोग याद रखिएगा, एग्जांपल क्या है, पी हो गया, क्लिस्टोगेमी में प्ली, बीन्स, लेट्यूस, ठीक है, पी बीन्स लेट्यूस, ये इसका एग्जांपल है। और क्या बताए सर, वीट भी इसी में आता है क्लिस्टोगेमी में, है ना। इसमें आप लोग याद रखिएगा टोमेटो, टोमेटो, ठीक है, साथ ही साथ राइस, ये याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो है ब्रीडिंग से रिलेट करता है। जब भी हम किसी क्रॉप के लिए ब्रीडिंग मेथड कंडक्ट करते हैं तो उसके पॉलिनेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। आगे चले बात करते हैं ब्रिंजल की, ये सोलेनेसी में ही बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिए। ब्रिंजल, ब्रिंजल को और क्या बोलते हैं, एग प्लांट भी बोलते हैं, इसको ऑबरजीन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत कम सुनने वाली चीज़ है लेकिन महत्वपूर्ण है। ब्रिंजल को और क्या नाम से जाना जाता है, तो ऑबरजीन भी बोलते हैं, साथ ही साथ एग प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। इंडिया इसका ओरिजिन है, हेट्रोस्टाइली इसमें पाया जाता है। हेट्रोस्टाइली का भी थोड़ा सा चलिए बता देते हैं, फ्लावर जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि नहीं, मान लीजिए। तो ये जो स्टाइल होता है इसका साइज डिफरेंट होगा, कभी क्या है लॉन्ग होगा, कभी क्या है शॉर्ट होगा, कभी क्या है स्यूडो होगा, स्यूडो होगा, एस स्यूडो, ठीक है। तीन प्रकार से फ्लावर मेजरली पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रूट अगर लगता है तो वो है लॉन्ग में, 70-90% ऑफ फ्रूटिंग जो होता है लॉन्ग टाइप के स्टाइल में होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिंजल में कौन से स्टाइल में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन होता है, तो लॉन्ग में होता है और इसी से सबसे ज़्यादा फ्रूट बनता है, बाकी स्यूडो और शॉर्ट में फ्रूट ही नहीं बनता, ठीक है, ये याद रखिएगा। हाँ सर, डिटेल जो है इसके उसके क्लास में करेंगे। हाँ हाँ, डिटेल उसका क्लास करेंगे। अच्छा, ठीक, क्या है, मैं छोटा छोटा चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ लेके निकाल रहा था, है ना, आप लोग को याद रहेगा। यही सारी चीज़ें तो पूछी जाती है, जो पूछा गया है वही मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा नोट किया हूँ, उसके सिवा एक्स्ट्रा ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, चिली, कैप्सिकम, एनम, दोनों का साइंटिफिक नेम, दोनों जीनस और स्पीसी सेम बिलोंग करता है, आप लोग को बहुत लोग को बताया गया होगा कि ये क्या है, कैप्सिकम फ्रूट सेंस होता है, फ्रूट सेंस ऐसा नहीं है, ठीक है, ये गलत है, अपवाद है, इसको मत याद रखिएगा, फ्रूट सेंस नहीं होता है। दोनों का कैप्सिकम एनम क्या है, साइंटिफिक नेम माना जाता है, इसके अलग क्या है, स्पीसीज में एंटर करते हैं, वैरायटी में एंटर करते हैं तब डिफर करेगा, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर जान रहे हैं, जितने भी सोलेनेसी परिवार हैं सभी का क्रोमोसोम नंबर 24 है, आलू को छोड़ करके, क्योंकि आलू जो है टेट्राप्लॉइड है, ट्रॉपिकल अमेरिका इसका भी ओरिजिन है, किसका, मिर्ची का, है कि नहीं। कैप्सेसिन नाम का इसमें पिगमेंट पाया जाता है, कैप्सेसिन जो कि तीखापन के लिए है, साथ में कैप्सेंथीन, कैप्सेंथीन किसके लिए है, कलर के लिए है, रेड कलर, ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये येलो कलर का भी एक स्पेसिफिक होता है, इसको मैं बाद में बताऊंगा जब क्रॉप हम लोग स्पेसिफिक पढ़ेंगे। कैप्सिकम एनम 2N=24, शिमला मिर्च जिसको बोलते हैं, है कि नहीं, वेजिटेबल पर्पस में यूज़ करते हैं, इसका भी इसमें क्या होता है, तीखापन नहीं होता, स्वीट पेपर भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, स्वीट पेपर, इसको क्या बोलते हैं, बेल पेपर, बेल पेपर या हॉट पेपर, ठीक है, ये मिर्ची का नाम है, हॉट पेपर, इसको बोलते हैं स्वीट पेपर, याद रखिएगा। अगला क्रॉप है हमारा मालवेसी, जो कि क्या है, डाई कॉटिलीडन के अंदर आता है, मालवेसी परिवार में, ओकरा,
जिसको क्या है लेडी फिंगर बोलते हैं, है कि नहीं लेडी फिंगर। लेकिन आप लोग लेडी फिंगर ना बोलें क्योंकि ओकरा इसका साइंटिफिक वर्ड है, यही यूज़ किया जाता है। अबेल मोस्कस एस्कुलेंटम, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर अगर किसी वेजिटेबल में होता है तो वो इसी का होता है, 130, ठीक है। और अगर सबसे कम की बात करें तो स्पिनेच आप लोग जानते हैं, स्पिनेच जिसको विलायती पालक बोलते हैं, इसका होता है 12, ठीक है। और सबसे कम आज तक का क्रोमोसोम नंबर किसका देखा गया है, मेरे को थोड़ा याद है, ड्रोसोफिला का है क्या? 7 है ना, 4 है ना, हाँ वो भी याद रखिएगा, ड्रोसोफिला। ये सबसे कम क्रोमोसोम नंबर वाला है। सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर वाला पूछेगा तो आता है मलबेरी, मलबेरी इसका लगभग 340 के आसपास होता है क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। 2n बराबर 340, किसकी बात कर रहे हैं, मलबेरी सहतूत की बात कर रहे हैं। खैर यहाँ तो अलग अपन लोग आ गए। याद रखिएगा भिंडी 130 होता है, ट्रॉपिकल अफ्रीका इसका ओरिजिन है, ट्रॉपिकल यानी कि गर्म, ठीक है, उष्ण उष्ण अफ्रीका इसका ओरिजिन है। आयोडीन रिच होता है, याद रखिएगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग है ना, गलघोटू तो गैया वैया में होता है यार, टर्मिनोलॉजी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, याद रखिएगा आयोडीन रिच होता है। कैप्सूल इसका फ्रूट टाइप होता है, इसका फ्रूट टाइप क्या है, ये देखिए फल का प्रकार, कैप्सूल, कैप्सूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंदर में सीड है, ठीक है। और किसका होता है, इलायची जानते हैं आप लोग, इलायची का भी फ्रूट टाइप कैप्सूल होता है, उसके अंदर भी सीड होता है, तिल का भी होता है, तिल, अच्छा तिल का भी होता है, तिल को याद रखिएगा भाई, तिल का क्वीन ऑफ वेजिटेबल इसी को बोलते हैं, है कि नहीं, जानते होंगे लेडी फिंगर, क्वीन ऑफ वेजिटेबल, किंग, किंग तो सब जानते हैं, कौन नहीं जानता किंग को, कौन है यार किंग ऑफ वेजिटेबल बताइए जरा, है नहीं आलू ही है, ठीक है आलू है, कंफर्म रहिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आलू में, ठीक है। मालवेसी फैमिली से और क्या बिलोंग करता है, कपास भी मालवेसी फैमिली का है, याद रखिएगा, उसका भी फल का प्रकार कैप्सूल ही होता है। अगला चले, चलिए देखिए ब्रेसिकेसी फैमिली, बहुत बड़ा फैमिली अपने आप में डॉन है ये, है ना, क्या क्या है देखिए, आज की डेट में बहुत ही ये चल रहा है मार्केट में, पहले नहीं आता था, पहले लोग क्या खाते थे, दरिया खा रहे हैं तो कोदो कुटकी खा रहे हैं, आजकल गोभी खाओ, ठीक है। कोल क्रॉप ओरिजिन क्या है, मेडिटेरियन रीजन, सारे के सारे कोल क्रॉप का, एक्सेप्शन को छोड़ करके इटली का, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा, लेकिन मेडिटेरियन रीजन यानी कि यूरोप यानी कि ठंडी वाला इलाका, सारे के सारे का क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 18 है, सारे के सारे का फ्रूट टाइप भी सिलिकुआ है क्योंकि मस्टर्ड फैमिली से बिलोंग करता है कि नहीं। अगला चीज़ क्या है, मस्टर्ड हो गया, इसमें क्या है, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। टमाटर में पाया जाता है गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इसमें पाया जाता है जितने भी कोल क्रॉप हैं, हाँ क्रॉस पॉलिनेटेड हैं, स्पोरोफाइटिक इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन है सर, क्योंकि क्या है एबल नहीं हो पाता है अपने आप में क्रॉस करने के लिए, तो दूसरे के साथ क्रॉस करना पड़ता है, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन। पहला देख लेते हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा, सभी में क्या आएगा, ब्रेसिका ओलेरेसिया ही आएगा, वैरायटी चेंज होते जाएंगे, ठीक है। इनका जो एंसिस्टर पूछा जाएगा अगर, तो ब्रेसिका सिल्वेस्ट्रिस, सिल्वेस्ट्रिस ये सारे के सारे का क्या है, पिताजी है, इसी के द्वारा इन सबको सेलेक्ट किया गया है, किसी का तना लिया गया है, किसी का स्टेम लिया गया है ना, मॉडिफिकेशन वो अलग अलग है। बात करते हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा, जिसको हम लोग बोलते हैं पत्ता गोभी, ठीक है, इसका एडिबल पार्ट नाम से ही जानते हैं हेड, ठीक है, यही एक प्रश्न आपसे पूछेगा, एडिबल पार्ट ऑफ कैबेज हेड कहलाएगा। दूसरा क्या है, कॉलीफ्लावर ब्रेसिका ओलेरेसिया वार बोट्राइटिस, ठीक है, बोट्राइटिस ये है, कर्ड इसको बोलते हैं, जो वाइट वाला भाग होता है, कर्ड मतलब होता है क्रीम, दही, मठा, दही, दही, हाँ वही वही, सफ़ेद रहता है दही, इसलिए इसको भी कर्ड बोलते हैं, सफ़ेद है बोल के, ठीक है, वाइट है बोल के,
इसके अलग अलग भी कलर आ गए हैं आजकल में मार्केट में, क्या है ऑरेंज कलर मिल जाएगा, पर्पल मिल जाएगा वगैरह वगैरह, पर वाइट इसका मेजर है। ठीक है, इसमें भी ब्लांचिंग होता है, आप लोग को बताया था ब्लांचिंग। बात करते हैं ब्रोकली की, यही एक एक्सेप्शन है इसमें ओरिजिन के नाम से, क्योंकि इसका बॉटनिकल नेम है ब्रैसिका ओलेरिसिया वार इटैलिका। ठीक है, नाम में ही समझ में आ जा रहा है कि ओरिजिन कहाँ है, इटली में होगा, बात ख़त्म। फ्लैसी फ्लावर स्टॉक, ये जो हिस्सा होता है ये क्या है, फ्लावर है, जो कि अभी कुछ दिन बाद बहुत बढ़िया फ्लावर बन जाएगा। ठीक है, फिर फ्रूट बनेगा, सिलिकुआ बनाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन इसको यही स्टेज में हम लोग खाते हैं ब्रोकली को। ठीक है, विटामिन ए रिच होता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होता है इसमें अच्छा खासा, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। ठीक है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी का अगर पर्टिकुलर नाम पूछे तो I3C ब्रोकली ही है। ठीक है, I3C यानी कि इंडोल 3 कार्बिनोल। ठीक है, ये ऐसा कंपाउंड है जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी लाता है, केबेज फैमिली में सभी में लगभग पाया जाता है, इंडोल 3 कार्बिनोल। जी हाँ, हाँ लगभग लगभग सब में पाया जाता है, क्योंकि सारे कोल क्रॉप क्या है, एक ही एंसिस्टर से आए हैं। हाँ, इसमें ज़्यादा रहेगा, ब्रोकली में ज़्यादा रहेगा, कैबेज में भी रहता है। ठीक है, ब्रोकली के बारे में जान गए, अगला चले कोल क्रॉप को, अगला कोल क्रॉप देख लेते हैं भाई, ये है नोल खोल, ब्रसल स्प्राउट और केल। ये केल के बारे में आप लोग को बताया था, अभी स्पेसिफिक चीज़ बताऊँगा। नोल खोल याद रखिएगा, नवल खोल जिसको बोलते हैं, जिसको गांठ गोभी बोलते हैं, है ना, उल्टा पुल्टा मत बोले, गांठ गोभी याद रखिएगा। ब्रैसिका ओलेरेसिया वार गोंगिलोडस, ठीक है, गोंगिलोडस जो है गांठ गोभी का, जी से गोंगिलोडस, जी से गांठ गोभी। ठीक है, याद रखिएगा, इसका जो इनलार्ज स्टेम होता है, ये जो हिस्सा होता है जो है ना, स्टेम फूल जाता है, स्टेम जो है स्वेल हो जाता है, सारे फूड मटेरियल स्टेम में आके इकट्ठा होते हैं, इसीलिए मॉडिफाइड ऑफ स्टेम है। ठीक है, ब्रसल स्प्राउट, ब्रसल स्प्राउट का क्या है, गेमी फेरा, ये देख रहे हैं आप लोग, ये ऐसा लग रहा है कि पपीता का पेड़ है ना, पेड़ वैसे ही रहता है, छोटा सा रहता है, पत्ता गोभी से थोड़ा सा बड़ा रहता है। हाँ, इसके इसके जो स्टेम होते हैं उसमें छोटे छोटे मिनी कैबेज होते हैं। हाँ, छोटा जैसे पत्ता गोभी होता है ना, सेम वैसे ही दिखता है लेकिन बहुत छोटा होता है। ठीक है, जिसको मिनी कैबेज बोलते हैं, वही है, इसको बर्ड्स बोलेंगे। हाँ, जो ये बर्ड है इसका एडिबल पार्ट क्या कहलाएगा, बर्ड कहलाएगा। ठीक है, जो बगल में अड्स बर्ड्स निकलते हैं वही है, ब्रसल स्प्राउट इसको बोलते हैं। ठीक है, अपने डीन सर इसी को पूछ रहे थे, वाइवा में गए हैं। हाँ चलो बताओ, ब्रसल स्प्राउट देखे हो, अरे सर कुछ बने हंस क्वेश्चन पूछ ले सर। ठीक है, याद रखिएगा, अगला क्या है, केल, ब्रैसिका एल्बो ग्लोबला, एल्बो ग्लोबरा। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर इसका अलग है, एक्सेप्शन 20, सारे का कितना पढ़े हैं, 18 पढ़े हैं, इसका बस 20 है, याद रखिएगा। ये देख रहे हैं, ये थोड़ा एकदम बहुत बेहतरीन होता है, खाने में भी स्वादिष्ट होता है, दिखने में भी बढ़िया होता है, छूने में भी नरम होता है। ठीक है, इसका एक मेन फीचर बताया था, रिच इन विटामिन ए, रिच इन विटामिन ए, कितना, 20,000 IU, इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि जो आम होता है आम से 4 गुना से भी ज़्यादा, आम का 4800 है, तो बोले तो 5,000 मान लो, तो 5×24 5,000 4 गुना से भी ज़्यादा इसमें विटामिन ए होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, केल के, ब्रैसिका एल्बो ग्लोबरा। हाँ हाँ, IU, इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, IU बोलते हैं, वैसे आप लोग पहले सुने होंगे कि बीटा कैरोटीन जो होता है वो विटामिन ए बनता है बाद में, है ना, तो बीटा कैरोटीन तो ऑरेंज कलर शो करता है। नहीं, नहीं, बीटा कैरोटीन से मतलब विटामिन ए का सिंथेसिस होता है, ऐसा है। हाँ ऐसा है, वाकई में है, अपना क्या है, जो राइस जो होता है, हाँ विटामिन ए रिच जो राइस आता है, हाँ बीटा कैरोटीन गोल्डन रहता है, लेकिन कई कंडीशन में क्या है, जरूरी नहीं कि विटामिन जो है बीटा कैरोटीन से ही कन्वर्ट हो,
यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन कलर है। जितने भी लीफी वेजिटेबल होते हैं सब में तीन चीज़ें रिच होता है। पहला चीज़ होता है विटामिन ए, दूसरा चीज़ होता है कैल्शियम, और तीसरा चीज़ होता है आयरन, जितना भी लीफी वेजिटेबल है। ठीक है, तो ये लीफ का ही एक पार्ट है, लीफ का ही मॉडिफिकेशन है, याद रखिएगा। कोल क्रॉप हो गया, समझ में आ रहा है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? लाइव वाले भी थोड़ा सा बता दें भाई। हेलो, कोई है कि नहीं? अच्छा ठीक है, चलो कोल क्रॉप। ठीक है, ख़त्म हो गया अपना कोल क्रॉप। अगला अपन लोग देख लेते हैं रेडिश। ये भी ब्रेसिका फैमिली से ही बिलोंग करता है कि नहीं? ब्रेसिकेसी फैमिली से ही बिलोंग करता है, मस्टर्ड फैमिली का है। रैफेनस सटाइवा जानते ही होंगे, सुने होंगे, 2N बराबर इसका भी 18 है कि नहीं? इसमें क्या है, आइसोथायोसाइनेट होता है, तीखापन आता है, चरपराहट आता है, आइसोथायोसाइनेट है कि नहीं? ये भी पोटेशियम एग्जॉस्टिंग क्रॉप है, पोटेशियम खा जाएगा, ये भी पोटेशियम खा जाएगा। टर्निप, टर्निप जिसको सलजम बोलते हैं, सा सलजम, सा षटकोण, सा सरौता बचपन में पढ़े हैं, सा सलजम। ठीक है, बोले तो टर्निप। ब्रेसिका रापावार ग्लोबरा, रापा फैमिली से बिलोंग करता है, जीनस स्पीसीज ब्रेसिका रापा, ग्लोबरा इसका वेराइटी है। ठीक है, क्रोमोजोम नंबर 2N बराबर 20, ये एक अलग मटेरियल है, बाकी सारे का 18 है, इसका 20 है और केल का 20 है। ठीक है, याद रखिएगा। मेडिटेरेनियन रीजन, इसका भी ओरिजिन है, इसका भी ओरिजिन है, मैंने बताया। जितना हाँ जितना भी ब्रोकली फैमिली है, जितना ब्रेसिकेसी फैमिली मान सकते हो आप लोग, सारे के सारों का ब्रेसिक है ना, एकदम बढ़िया। ऊपर ऊपर चीज़, क्या सब्जी खा रहे हो सर? बैंगन आलू खा रहे हैं, बोले तो किंग और ओवर जीन है कि नहीं? अगला चले, ये टर्निप के बारे में याद रखिएगा भाई। वानस्पतिक नाम पूछता है, फैमिली पूछेगा, क्रोमोजोम उत्पत्ति स्थान, जितने ठंडी क्रॉप है मेडिटेरेनियन रीजन उत्पत्ति स्थान। ठीक है, अब जितना ये कोल क्रॉप हम लोग बात कर रहे थे ना, इसका ऊपर ऊपर एक सभी में जो कॉमन है क्या क्या है, ये कैसा लॉन्ग डे क्रॉप होता है कि नहीं? स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बता ही चुका हूँ मैं, याद रखिएगा, लॉन्ग डे क्रॉप होता है। अगला देख लेते हैं, अब अपन लोग लेग्यूमिनेसी फैमिली में आ गए। लेग्यूम फैमिली, क्या टाइम हो गया? चलिए ये हो जाएगा, बीन्स हो जाएगा, बीन्स खत्म करते हैं, है ना? आप लोग घर में बढ़िया सेमी खाइए, बरबटी खाइए, चुरचुटिया खाइए, सबसे पहले खाइए गार्डन पी यानी कि मटर। ठीक है, पाइसम सटाइवम, वैरायटी क्या है, हॉर्टेंस, हॉर्टिकल्चर का क्रॉप है इसीलिए हॉर्टेंस। अगर एग्रीकल्चर का क्रॉप आ जाता यानी कि फील्ड पी, तो इसका आ जाता आर्वेंस। ठीक है, गार्डन पी का है हॉर्टेंस, फील्ड पी का है आर्वेंस, ठीक है, या फिर आर्वेंसिस। तो याद रखिएगा, दोनों बहुत पूछा जाता है, क्योंकि जो आप लोग सूखा मटर खाते हो मार्केट से खरीद के वाइट कलर का, वो फील्ड पी है, और जो आप लोग फ्रोजन पी खरीदते हो कहाँ से, दूध डेयरी से, वो है गार्डन पी, है ना? याद रखिएगा, सेंट्रल एशिया इसका ओरिजिन है, मध्य एशिया। इसका मेच्योरिटी इंडाइसेस यानी कि जो इसका परिपक्वता मापी जाती है कि हाँ मटर अब पक गया है, अब इसको तोड़ा जाए, वो करते हैं टेंड्रियोमीटर से। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मेच्योरिटी ऑफ मटर इज मेजर्ड बाई टेंड्रियोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, टेंड्रियोमीटर, आर्वेंसिस वगैरह वगैरह चीज़ें। मटर इसके बारे में क्या है, प्रोटीन का रिच सोर्स होता है मटर। दो प्रकार के मटर होते हैं इसी में, एक होता है एकदम स्मूथ सीड वाला, बोले तो गोला सीड वाला, एक होता है झुर्रीदार सीड वाला जिसको रिंकल्ड सीड बोलते हैं। आप लोग देखे हो वो क्या नाम था सर उसका, मेंडल साहब पूरा रिसर्च किया था इसमें, है कि नहीं? तो जो रिंकल सीड होता है उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, हाई प्रोटीन होता है, किसके मुकाबले, जो गोला सीड होता है उसमें कम प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें 31% प्रोटीन होता है सूखे कंडीशन में, जो रिंकल्ड सीड होता है उसमें लगभग 33% होता है, और अगर हम लोग कच्चा मटर लेके आते हैं, ठीक है,
तो उसमें लगभग 7% प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन बहुत डिफर करता है, ये चीज़ें आप लोग को याद करनी पड़ेगी। हाँ, पूरा वाटर कंटेंट कम हो गया, प्रोटीन प्रोटीन बचा है उसमें, है ना, तो ज़्यादा हो गया इधर, और ये पानी के साथ विथ वाटर, ठीक है, 7% याद रखिएगा। ये मटर के बारे में बात कर रहे थे, ये क्लस्टर बीन में लिखा गया है, उसका मत समझ लेना भाई, ठीक है। बात करते हैं क्लस्टर बीन, चुरचुटिया, गवार, फल्ली, जिसको अनएजुकेटेड बीन बोलते हैं, है ना, गांव में इसको गवार, फल्ली, चुरचुटिया बोलते हैं। क्लस्टर बीन इसका इंग्लिश नाम है, साइंटिफिक नेम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, ठीक है, वानस्पतिक नाम है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, 2N=14 इसका बॉटनिकल नेम है, याद रखिएगा, पूछा गया था। और अगर याद ना आए तो याद रखिएगा, मेंडल का जो मेंडल साहब जब रिसर्च किए थे तो 7 क्रोमोसोम में किए थे, यानी कि अगर 2N के 2N कर दिए तो 14 हो गया, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। इसमें से प्रश्न मटर से तो क्रोमोसोम ही पूछता है ज़्यादा, है कि नहीं। अच्छा, ये मैं क्लस्टर बीन का बता दिया, इसका भी 14 होता है, इसका भी 14 होता है, मैं इसका इसमें बता दिया, खैर कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा, दोनों भाई भाई लगते हैं। आप लोग याद रखिएगा, जो क्लस्टर बीन होता है, चुरचुटिया, गंवार, फल्ली, इसके फ्रूट और सीड से एक प्रकार का गम निकलता है, चिपचिपा पदार्थ, ठीक है, जिसको हम लोग गम एक्सट्रैक्ट करते हैं, टेक्सटाइल कंपनी में यूज़ होता है, टेक्सटाइल बोले तो मांस वगैरह, और क्या है, गोंद वगैरह बनाने में, कपड़ा इंडस्ट्री है, अच्छा ठीक है, कपड़ा इंडस्ट्री हो गया, मांस वाली जगह पे भी इसको उपयोग करते हैं, एक अपन जो गुड़ बनाते हैं, जो गुड़ हाँ हाँ, उसमें जो गंदगी रहती है गुड़ की, अच्छा अच्छा हाँ सही बोल रहे हैं, ये मैं देखा था कहीं ना कहीं, तो ठीक है, गुड़ बनाने में भी इसका उपयोग होता है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, याद रखिएगा। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, ओरिजिन इसका इंडिया है, भारतीय है, इसीलिए गंवार बोलते हैं इसको, ठीक है, लेकिन भारतीय बहुत एजुकेटेड हैं, मजाक में नहीं लेना हल्के में, गुलशन को देख लो, अवसर को देख लो, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रेंच बीन जिसको आप लोग जानते हैं, ये बीन बस बोलते हैं इसको मार्केट में, इसका स्पेशल फीचर बहुत बढ़िया है, पहले साइंटिफिक नेम देखते हैं, फ्रेंच बीन, ठीक है, फसिओलस वल्गेरिस इसका साइंटिफिक नेम है, फसिओलस वल्गेरिस, ठीक है, 2N=22 होता है इसका फ्रेंच बीन। सेंट्रल अमेरिका इसका क्या है, ओरिजिन है सेंट्रल अमेरिका, ये एक ऐसा क्रॉप है सोलेनेसी का एकमात्र ऐसा क्रॉप जो नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं करता, ठीक है, सॉरी फेबेसी लेग्यूमिनेसी का एकमात्र क्रॉप है जो क्या नहीं करता, नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं करता, बाकी सब करते हैं। और एक चीज़ जो चना होता है, चना को आप लोग जानते हैं, चना में हम लोग राइजोबियम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं कोई बता सकता है, आप लोग बता सकते हैं लाइव वाले, नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सुनिए क्या होता है, जो चना होता है ना, चना की पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों के टॉप पोर्शन में क्या है, एसिड निकलता है, आप लोग जानते हैं, खट्टा खट्टा रहता है ना चना की पत्ती, ऑक्जेलिक एसिड और मैलिक एसिड। अब आप लोग याद रखिएगा, जो बैक्टीरिया होता है वो कभी एसिडिक कंडीशन में ग्रो नहीं कर पाता है, ये न्यूट्रल में होगा या तो बेसिक कंडीशन में होगा, वहीं फंगस जो होता है एसिडिक कंडीशन में ग्रो करता है। अब यहाँ से जब एसिड निकलेगा, ये बहते बहते पूरा रूट में आएगा, जब यहाँ पे आ जाएगा तो बैक्टीरिया के लिए मिलेगा ही नहीं वातावरण, मर जाएगा वो, ठीक है, तो चने में राइजोबियम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, याद रखिएगा। वहीं फ्रेंच बीन क्या है, नॉन फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नॉन फिक्सिंग प्लांट है, ठीक है। अगला चले, फ्रेंच बीन देख लिए, क्लस्टर बीन देख लिए, गार्डन पी भी देख लिए, बात करते हैं आगे लबलब बीन, ज़्यादा लबलब लबलब ऐसा क्या तो डायलॉग होता है नहीं, लबलब मतलब ज़्यादा बोलने वाला, यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोल रहा है बेचारा, बढ़िया सेमी, अपने गांव का सेमी, इंडियन सेमी इसी को बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है इंडियन बीन, जिसको लबलब बीन बोलते हैं, अब इंडियन बीन है तो इंडिया ही इसका उत्पत्ति स्थान होगा, क्रोमोसोम नंबर 22 आ रहा है, ठीक है, याद रखिएगा सेमी है।
ये जो होता है हार्डी होता है, हार्डी बोले तो ज़्यादा टेम्परेचर सहनशील कर सकता है। अब इंडियन है, इंडियन जान रहे हो, हम लोग इतने टॉलरेंट होते हैं किसी के भी प्रति, बरसात हो जाए, ठंडी हो जाए, गर्मी हो जाए, सब में झेल लेंगे, है कि नहीं। तो ये गर्म सहनशील होता है ब्रॉड लवलब बीन। अगला देखते हैं काउपी, विग्ना अंगीकुलाटा, ठीक है, ये बरबटी बोलते हैं, ये वाला है याद रखिएगा। काउपी जिसको विग्ना अंगीकुलाटा बोलते हैं, क्रोमोसोम नंबर 22 होता है, दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, इधर भी 22 है, इसको छोड़ करके तीनों का क्रोमोसोम नंबर 22 है। कौन सा? इंडियन बीन, काउपी और विंग्ड बीन। ये देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर विंग्ड टाइप से है, जैसे कि पंख होता है फटा फटा फटा, इसीलिए इसको विंग्ड बीन बोला जाता है, ठीक है। काउपी का ओरिजिन जो होता है अफ्रीका होता है, सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका थोड़ा गर्म इलाके का पौधा है, इसीलिए मैं बताया। अंगीकुलाटा का मतलब क्या है? अंगीकुलाटा का मतलब ऐसा तो मेरे को भी नहीं पता सर, आप बता दो। हाँ काउपी क्लासिफिकेशन में पढ़ा टैक्सोनॉमी को। अच्छा अंगीकुलाटा जो है ना, हाँ, जो खुर वाले जो जीव होते हैं, खुर वाले जीव, अच्छा उनको बोला जाता है, अच्छा ठीक 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 है। ये अंगीकुलाटा जो है खूर वूर से रिलेटेड है, ठीक है, आप लोग एक बार मेरे को बताइएगा कमेंट में, ठीक है, और बाद में बताइएगा कि अंगीकुलाटा का मतलब क्या होता है। सर मेरे को थोड़ा थोड़ा बता दिए, मैं कल डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। अगला देखते हैं विंग्ड बीन, ये देख रहे हैं विंग्ड बीन, ये पंखों की तरह कटाफटा होता है, क्या है? सोफोकार्पस टेट्रागोनोलोबस, ठीक है, क्या साइंटिफिक नेम है? सोफोकार्पस टेट्रागोनोलोबस। टेट्रागोनोलोबस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो ये होता है ना विंग, ये चार साइड से ऐसा होता है, ठीक है, चारों साइड से रिज एंड फरो बना होता है, इसीलिए टेट्रागोनोलोबस बोलते हैं। 2n बराबर 22, आप लोग देखते आ रहे हैं, हाँ, मेडागास्कर इसका ओरिजिन है, अलग नाम मिल गया आप लोग को। मेडागास्कर किसकी राजधानी है? किसी की राजधानी है मेडागास्कर, या फिर ये खुद ही एक इसका राजधानी होगा, ये सिटी होगा, जो भी है, मेडागास्कर याद रखिएगा। विंग्ड बीन जो होता है एक ऐसा क्रॉप है जिसके सारे के सारे पार्ट एडिबल होते हैं, लीफ हो गया, फ्रूट हो गया, स्टेम हो गया, रूट वगैरह वगैरह जितने भी हैं, ऑल द पार्ट्स आर एडिबल इन विंग्ड बीन। पूछ सकता है ऐसा कौन सा बीन है जिसके सारे भागों को खाया जाता है? विंग्ड बीन। अगला क्या है? ब्रॉड बीन, नाम में ही ब्रॉड है, ब्रॉड यानी कि बड़ा, या फिर थोड़ा भारी भरकम, ठीक है, लेकिन भारी भरकम है, देखो यहाँ पे एकदम फूला हस्त फुस्त मोटा ताज़ा, मार्केट में मिलता है, हाँ, एकदम दाने वाला होता है, जिसको पर्टिकुलरली दाना पर्पस के लिए ही खाते हैं। इसका छिलका क्या है? थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए छिलका ज़्यादा प्रिफर नहीं करते, सीड ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम याद रखिएगा विसिया फाबा, विसिया फाबा। क्रोमोसोम नंबर इसका सबसे कम होता है, जैसे मैंने बताया 12 होता है इसका, साथ ही साथ और किसका 12 बताया? स्पिनेच का, ठीक है, विलायती पालक, ये दोनों का 12 होता है, वेजिटेबल में सबसे कम इन्हीं का है। ओरिजिन इसका एशिया है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट होता है, फ्रॉस्ट यानी कि पाला, ओला जो गिरता है ऊपर से, है नहीं, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट होता है, यानी कि नाम में ही है भाई ब्रॉड, दिखने में भी ब्रॉड, काम में भी ब्रॉड, सहनशीलता भी एकदम तबाह के, है कि नहीं। इतना आप लोग को बन जाएगा, कम से कम आप लोग फोटो तो देखिए, कम से कम कभी कभी क्या है क्वेश्चन आ जाता है तो इमेज नहीं आता, अरे साला ये विंग्ड बीन क्या चीज़ है यार, लेकिन इमेज आएगा तो कम से कम आप लोग बता सकते हो कि हाँ चलो ये चीज़ है, ठीक है। ये लास्ट है बीन का, लेग्यूमिनेसी फैमिली में दो हैं, याम बीन और फेनुग्रेक। याम बीन क्या है? पेचेराइजस इरोसस, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर इसका भी 22 होता है, इसका ट्यूबर खाया जाता है, एकमात्र लेग्यूम क्रॉप है जिसका ट्यूबर एडिबल होता है, ठीक है। ये देखिए ट्यूबर इसका है, कुछ इस प्रकार से दिखता है, कांदा बनता है, कांदा, रूट ट्यूबर, ज़्यादा पूछेगा नहीं, बस याद रखिए रूट ट्यूबर लेग्यूम का नाम बताइए तो याद रखिएगा याम बीन, ठीक है। अगला है फेनुग्रीक, बहुत बढ़िया चीज़ है फेनुग्रीक, जानते ही हो, मसाला में भी यूज़ करते हैं, फ़ोरन लगाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना, फेनुग्रीक, जिसको मेथी बोलते हैं, मेथी भाजी भी आप लोग खाते हो, है ना,
मेथी भाजी बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी लगता है आलू के साथ में। ट्राइगोनेला फोएनम ग्रेसम, तीन नाम है इसके, ट्राइगोनेला फोएनम ग्रेसम, ठीक है। यूरोप इसका ओरिजिन है, यूरोप में बताया जितना भी ठंडी क्रॉप है वो यूरोप के पाए जाएंगे, यानी कि ये क्या है, कूल सीजन क्रॉप है। मेथी आप लोग देखे हो, मेथी का भाजी ठंडी में ही मिलता है ना, ठंड में ही मिलता है। इसका जो है सीड भी खाया जाता है, इसका जो है लीव भी खाया जाता है कि नहीं। ये चीज़ है ट्राइगोनेला फोएनम ग्रेसम के बारे में, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे लिखा है 2N=16। बीन तक हो गया है हमारे क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये आप लोग को ओवरव्यू मिल गया होगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप लोग जाने होंगे जो नहीं जानते रहे होंगे, आगे और भी जानोगे, बस यहाँ से जुड़े रहिए, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, लेग्यूम क्रॉप को आज ख़त्म कर दिए, कल से कुकुरबिट्स चालू करेंगे, वगैरह वगैरह जो माइनर क्रॉप है।